हेलो, आज हम तैयार करने जा रही हूँ देसी चिकन और नया आलू की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने चिकन 400 ग्राम ले लिया, अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट डाल दिया, साबुत गरम मसाला डाल दिया, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा की पाउडर हमने डाल दिया, तेल डाल दिया, आलू, हरी प्याज और धनिया का पत्ता हमने डाल दिया। इन सबको अच्छी तरह से मिला लिया और गैस पर हम चढ़ा देंगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 7-8 मिनट बाद हम इसे हिला देंगे इसी तरह। तो हिलाते हिलाते इसके जो ग्रेवी है वो भी सूख गई। अब हम पानी डाल दिया और इसे ढककर फिर से 10 से 12 मिनट के लिए हम पका लेंगे और इसे फिर से हिला देंगे। और इसमें फिर से हम पानी डाल दिया, ग्रेवी आपको जितना चाहिए उतनी डालिए। तो आधा ग्रेवी जब हो जाएंगे ये बन के तैयार होंगे। तो ये बन के तैयार हुई, इसे हम निकाल लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।